अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आई एम योर टीचर सना, ठीक है? एंड हेयर आई एम टीचिंग यू ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है? टेक आउट योर इंग्लिश वर्क बुक. हेयर वी विल डू एन एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश बी. यू कैन सी द पेज नंबर 60. ओके, टूडे वील टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंशन द डेट एंड डे. Here you can write date and here you can write day. Okay, first of all, write date and day. Types of sentences. How many types of sentences and what are the function of these types? ठीक है, यहाँ पे आप sentences के types के बारे में जानेंगे और उनके function के बारे में जानेंगे कि what are the function of these sentence. First of all, we will do assertive sentence. Assertive sentence कौन से होते हैं जिसमें हम that is the simple sentences. We speak simple sentence जिसमें हम simple जो है कोई भी बात है उसको simple तरीके से perform कर रहे होते हैं, वो होते हैं assertive sentences. Like it is a sentence which simply states something. ठीक है, जो जो कोई भी बात को आप simple तरीके से describe कर रहे होते हैं वो होते हैं simple sentences. Like example है, you can see Ali is a good boy. Ali एक अच्छा लड़का है, ठीक है. Here you can see a simple sentence like she is a nice girl, she goes to school. ठीक, ये आपके हो गए simple sentences जिसमें कोई भी आप simple तरीके से कर रहे होते हैं. इसमें negative word का use नहीं कर रहे होते, इसमें interrogative कोई question नहीं कर रहे होते आप, तो ये आपका हो गया assertive sentences. Next we will talk about interrogative sentences. It is a sentence. Interrogative sentence वो होता है जिसमें interrogative sentence वो होता है जिसमें हम कोई question कर रहे होते हैं. It is a sentence which ask a question, जिसमें आप कोई question पूछ रहे होते हैं. Example, is Ali a good boy? क्या अली एक अच्छा लड़का है? तो इसमें जो है इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब, वो हमने पहले लगा लिया. जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, इज़ अली अ गुड बॉय? आर यू गोइंग टू स्कूल? इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ किया. तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इसके बाद इंपैरेटिव सेंटेंसेस. इट इज़ अ सेंटेंस विच गिव्स एन ऑर्डर, जिसमें आप कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं. ठीक है, गिव मी योर पेन, गो बैक योर होम. ठीक, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर एन ऑर्डर. ठीक है, जिसमें आपको किस कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. ठीक है, काइंडली लिसन टू मी, इसमें ऑर्डर भी होता है, इसमें रिक्वेस्ट भी होती है. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में आप इसमें आपने खुद गैस करना है कि इज इट अ ऑर्डर सेंटेंस और इज इट अ रिक्वेस्ट, जिसमें आप काइंडली प्लीज़ ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे. तो इट्स मीन दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज बट वी यूज़ रिक्वेस्ट. इसमें हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इसमें ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं हम, रिक्वेस्ट भी यूज़ करते हैं. इसी तरह एक्सक्लेमिनेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमिनेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ को आप डिस्क्राइब इस तरीके से कर रहे होते हैं कि जैसे मज़ीद आगे उसके आगे कोई और बात आप करना चाह रहे होते हैं. एक्साइटिंग, जिसमें आपको कोई एक्साइटिंग मिलती है. लाइक इट इज़ अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ठीक है, जिसमें आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही होती हैं. आर इमोशन, एग्जाम्पल व्हाट एन एक्साइटिंग गेम डैट वॉज. ठीक है, कि इसमें आगे इसके बाद आगे एक और बात भी आप करना चाह रहे हैं तो इसके लास्ट पे एक्सक्लेमिनेशन मार्क्स आते हैं. ठीक है, सो आज हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जाना. टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज. ठीक है, कल हम पढ़ेंगे चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस. अब कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, और ठीक ओके, दिस इज़ योर टुडेज वर्क. कल आपने इसको रिवाइज करने है. एंड आई विल आस्क यू अबाउट द assertive सेंटेंस डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ. इंट्रोगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस के होते हैं, examinatory सेंटेंस को होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछूंगी. ठीक है, ओके, टेक योर, अल्लाह हाफिज़, बाय.